उत्तर पूर्व भारत के सबसे प्यारा राज्य सिक्किम, जहाँ एक बार जाने पर आपको वापस आने का मन ही नहीं करेगा। आज हम सिक्किम के ऐसे जगह घूमने वाले हैं जहाँ हजारों साल पहले भारत से सिल्क रूट होके चाइना में इराक और ईरान से लोग व्यापार करने जाते थे। आज हम घूमेंगे वही ओल्ड सिल्क रूट पे। हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? आशा करता हूँ सब बढ़िया ही होंगे। आज के वीडियो में मैं आपको ले आया हूँ सिक्किम में, सिक्किम के इस पोर्शन में। तो हमारा सीरीज़ यहीं से शुरू होता है, आप पूरा सीरीज़ को देखते रहिए, एंजॉय करते रहिए। हम लोग जहाँ पे खड़े हैं चारों ओर स्नो ही स्नो है, बर्फ ही बर्फ है। आप आएंगे तो आपका क्या पता है, मतलब मज़ा ही मज़ा करेंगे, ठीक है? तो देखते रहिए, एंजॉय करते रहिए, पूरा वीडियो को देखिएगा और चैनल को जरूर से सब्सक्राइब करके रखिएगा और वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए दोस्तों के साथ, क्योंकि मैं वेस्ट बंगाल सिक्किम इस बेस्ट जितना भी टूरिस्ट स्पॉट है बहुत ही बारीकी से मैं आपको दिखाऊंगा। मैं कोलकाता से बिलोंग करता हूँ, अगर आप वेस्ट बंगाल से हैं तो ज़रूर से कॉमेंट में बताइएगा वीडियो कैसा लगा, ज़रूर से कमेंट में बताइएगा। इंस्टाग्राम में फॉलो करना मत भूलिएगा और फेसबुक में भी मुझे फॉलो कर सकते हैं, क्योंकि उधर छोटा छोटा करके मैं रील्स वगैरह अपलोड करता हूँ, उधर आप देखिए एंजॉय कीजिए। पूरा वीडियो अगर आपका देखने का टाइम नहीं है तो छोटा रील्स देखिए, उधर से भी बहुत सारा इन्फॉर्मेशन आपको मिलेगा। तो आप देखते रहिए और एंजॉय करते रहिए। चलिए इस वीडियो में शुरू करते हैं। जुलुक सिल्क रूट टूर बेसिकली 3 nights 4 days का टूर रहता है और टूर स्टार्ट होता है एनजीपी या तो फिर सिलीगुड़ी से। हमारा टूर भी स्टार्ट हुआ था एनजीपी से। मैं थोड़ा सा टूर आपको समझा देता हूँ। डे वन में हम एनजीपी से साइट सीन करते करते जाके रुकेंगे वेस्ट बंगाल के कालिम्पोंग डिस्ट्रिक्ट की चारकोल पे। रात को वहीं पे रुकेंगे और नेक्स्ट दिन चारकोल से निकलेंगे, साइट सीन करते करते जाके रुकेंगे पदमचेन में। डे थ्री में साइट सीन करते करते हम जाके रुकेंगे नाथंग वैली पे और डे फोर में साइट सीन करते करते हम उधर से वापस आ जाएंगे एनजीपी पे। तो हम डे वन में एनजीपी से सिलीगुड़ी पहुंच गए। सिलीगुड़ी से हम कार लेके चलना शुरू किए चारकोल की ओर। चारकोल एक ऑफबीट डेस्टिनेशन है जहाँ पे आप रुक सकते हैं और इधर से कंचनजंगा का व्यू एकदम माइंड ब्लोइंग आता है। चारकोल जाने से पहले हम पीछे छोड़ेंगे सेबॉक ब्रिज। सेबॉक ब्रिज बहुत ही प्यारा और सुंदर एक ब्रिज है जिसको पीछे छोड़ के हम चल पड़े हैं चारकोल की ओर। चारकोल में हम रुकेंगे इधर के ग्रुहाम होमस्टे में। चारकोल पहुंचने के लिए हमें टाइम लगेगा 3 to 3.5 hours। देखिए, पहला दिन आप इंडिया के कहीं से भी आ रहे हैं, आप एनजीपी आके थोड़ा सा थक जाएंगे, इसलिए ज़्यादा दूर तक आप जर्नी नहीं कर पाएंगे, इसलिए ही पहले दिन हम चारकोल में रुकेंगे। नहीं तो अगर पहले दिन ही जाके जुलुक में रुकते तो हमारा कैब जर्नी होता 7.5 to 8 hours, जो कि बहुत ही हेट्रिक रहता। तो हम 3.5 hours में पहुँच गए हमारे चारकोल के होमस्टे में। हम जहाँ पे रुके हैं चारकोल के होमस्टे, वो है चारकोल ग्रुहाम होमस्टे। इधर की दीदी बहुत ही अच्छे हैं, इधर रेट्स वगैरह भी बहुत ही सस्ता है, अराउंड 1200 to 1300 rupees पर हेड पर डे फूडिंग लॉजिंग के साथ। ऑल्दो हम लोग टोटल टूर पैकेज में आए थे, इसलिए अलग से हमें इधर बुकिंग नहीं करना पड़ा, हमारा ट्रैवल एजेंट ही इधर ही हमको रखा था। हम इधर पहले दिन रुके, दोपहर का खाना वाना खा लिए और शाम को चलने निकले चारकोल विलेज में। चारकोल विलेज से कंचनजंगा एकदम स्पष्ट दिखता है और इतना सुंदर और प्यारा लगता है, मैं आपको क्या बताऊं। शाम को चारकोल में आ गया हमारा स्नैक्स। स्नैक्स और टी एकदम अलग ही कॉम्बिनेशन है। हम स्नैक्स खा लिए और चाय पी लिए और थोड़ा सा बॉनफायर में अपना हाथ सेक लिए और रात को डिनर में हमको मिल गया चिकन। आज रात हम थोड़ा सा रिलैक्स करेंगे क्योंकि जर्नी बहुत ही हो गया था, बहुत दूर से आए थे, इसलिए आज हम इधर रिलैक्स करेंगे। डे टू, आज सुबह को जल्दी से हमारा नींद टूट गया। हम बाहर आके देख लिए कंचनजंगा। हम जिस रूम पे रुके थे उधर से भी कंचनजंगा थोड़ा बहुत दिखता है, लेकिन बाहर आके देखने से या तो फिर छत पे जाके देखने से बहुत ही अच्छी तरीके से इसका व्यू मिलता है। उसके बाद इधर से ब्रेकफास्ट वगैरह कर लिए और हमारा गाड़ी में हम निकल गए पदमचेन की ओर। पदमचेन पड़ता है सिक्किम में। सिक्किम के सिल्क रूट एंट्री करने के लिए हमको रोंगपो से परमिट बनवाना पड़ेगा।
चार आदमी का और गाड़ी का पास लगता है 500 रुपये। और हम चलते चलते पहले तो आ गए पास बनवाने। रोंगपो से हम जुलुक और सिल्क रूट का पास बनवा लिए और उसके बाद चले गए आरितार लेक देखने। उधर से आरितार जाने में 1 घंटा हमको समय लगा। उधर से आरितार लेक देख के हम पदमचेन के होमस्टे की ओर जा ही रहे थे, उधर रास्ते में पड़ गया एक वाटरफॉल। दोस्तों अभी हम लोग उतरे हैं क्यू खोला वाटरफॉल के पास। ये वाटरफॉल थोड़ा सा छोटा दिखेगा विंटर सीजन में, लेकिन ये वाटरफॉल बड़ा हो जाता है रेनी सीजन में। और मेरे पीछे आप देख सकते हैं ये नदी क्यू खोला रिवर ये है। तो हम लोग उतरे हैं पदमचेन जाने के रास्ते पे उतरे हैं और इधर से ये एक साइड सीन में भी आता है। हम लोग अभी तक होमस्टे में नहीं पहुँचे, इधर से जाएंगे और आधा घंटा जाने से हम लोग होमस्टे में पहुँच जाएंगे। पदमचेन पहले दिन रहेंगे, दूसरे दिन जुलुक पे रहेंगे। तो चलिए देखते रहिए। वाटरफॉल देखने के बाद हम चले गए हमारे पदमचेन के होमस्टे पे। होमस्टे बहुत ही बड़ा है, बहुत ही प्यारा है। ये भी हमारा ट्रैवल एजेंट के थ्रू ही बुकिंग किए थे। अभी हम लोग पहुंच गए हैं पदमचेन के होमस्टे में, जिधर आज रुकेंगे। और इधर से हम लोग नेक्स्ट दिन चले जाएंगे जुलुक में। लेकिन ये होमस्टे का नज़ारा जस्ट बहुत ही अच्छा है। आप देख सकते हैं मेरे पीछे गार्डन टाइप बनाया हुआ है पूरा होमस्टे, और इधर भी बनाया हुआ है, ठीक है। और ऊपर नीचे चारों ओर जस्ट माइंड ब्लोइंग है। मैं आपको होमस्टे के अंदर भी मैं आपको दिखाऊँगा, रूम्स के अंदर बहुत ही क्लीन एंड क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं है, हाइजेनिक है एकदम। और इधर से नज़ारा भी बहुत अच्छा है, लेकिन पूरा क्लाउड्स आ गया है इसलिए थोड़ा दूर तक नहीं दिखाई दे रहा है। मैं आपको दिखा रहा हूँ, आप थोड़ा सा देखिए। तो हम इधर थोड़ा सा फ्रेश ब्रेश हो लिए और दोपहर का खाना लग गया। इधर बहुत ही ठंडा था और दोपहर का खाना खा के सीधा हम चले गए अपने कंबल के नीचे। होमस्टे में रात भी बहुत हसीन है, मेरे पीछे आप देख सकते हैं होमस्टे का रात का नज़ारा। ठंडा बहुत ज़्यादा है भाई, 2-3 डिग्री है, मैं बता नहीं सकता, बहुत ही ठंडा लग रहा है। मेरे पीछे जो जगह दिख रहे हैं वो है और रेस्टोरेंट, मतलब उधर खाने जाना होता है। होमस्टे का ही सब बनाया हुआ होता है तो इसलिए अच्छा रहता है। तो आप नज़ारा देखते रहिए। शाम को इधर हमको मिल गया स्नैक्स। स्नैक्स और टी में क्या क्या था मैं आपको दिखाता हूँ। शाम का स्नैक्स हो गया और ठंडा था इसलिए उसके बाद हम थोड़ा सा बॉनफायर भी कर लिए। और इधर से होमस्टे के मालिक के पास से पता चला, अभी इधर तो थोड़ा बहुत बारिश हो रहा है और जुलुक में गिर रहा है बर्फ। ये सुन के हमारा जी जान एकदम खुश हो गया, जितना भी ठंड है हम सह लेंगे अगर बर्फबारी होता है तो। रात को एज यूजुअल हमको मिल गया है रात का डिनर, और डिनर में है चिकन। रात का खाना खा के हम सो गए निश्चिंत होके कि कल हमको देखने को मिलेगा स्नोफॉल। सुबह को जब उठे उसके बाद पूरा वेदर ही एकदम ठंडा पड़ गया था। सुबह से सूरज का दिखाई नहीं मिला और थोड़ा बहुत बारिश हो रहा है। हाय दोस्तों, गुड मॉर्निंग। अभी सुबह सुबह मैं नहा लिया इधर, क्योंकि इधर अभी 3 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर है, लेकिन नहा लिया क्योंकि नहाने से पूरा दिन फ्रेश जाएगा। और इधर गीजर भी है तो गर्म पानी से ही आपको नहाना होगा, तो आप नहा लीजिए। सुबह को चाय और मैगी या पास्ता, जो भी आप ब्रेकफास्ट ले उसके साथ आप ब्रेकफास्ट लीजिए और अपना नेक्स्ट जो डेस्टिनेशन है उधर निकल जाइए, ठीक है। तो मैं तो रेडी होऊंगा, क्योंकि ये सिर्फ एक टी शर्ट है, इसमें काम नहीं चलेगा क्योंकि रेडी होके निकलना पड़ेगा। तो चलिए देखते रहिए। हम फ्रेश व्रेश होके रेडी होके चाय वगैरह पी लिए और उसके बाद हमारा आ गया सुबह का नाश्ता, जिसमें था पास्ता। अभी होमस्टे से निकलने का टाइम आ गया है और ब्रेकफास्ट में आ गया है, देख रहे हैं पास्ता, गर्मा गर्म पास्ता। और इस होमस्टे में सुंदर नज़ारा के साथ और प्राकृतिक जो सौंदर्य है उसके सामने नाश्ता खाना, मतलब पास्ता खाना, नाश्ते में पास्ता खाना बहुत ही अच्छा लग रहा है, ठीक है। बनाया हो अच्छा भी है और खाना भी अच्छा है, ठीक है। आप आइए और इन्जॉय कीजिए। पास्ता का नाश्ता करके आज हम रेडी हो गए। आज हमको इधर से जाना है जुलुक, उधर से सिल्क रूट घूम के और नाथांग वैली घूम के
फिर स्टे करना है जुलुक में ही। तो हम इधर से सुबह को 9 बजे के करीब निकल गए। रास्ता बहुत ही अच्छा था, मान लो आप कहीं स्वर्ग पे आ गए हैं, इतना प्यारा रास्ता था ये। और थोड़ा बहुत बारिश हो रहा था तो हमको ऐसा लगा कि स्नोफॉल भी होगा ऊपर। ऊपर जाते जाते मेरा दिमाग थोड़ा सा हिलने लगा, क्योंकि जो मैं देख रहा हूँ वो अगर सच होगा तो ऊपर जाके ना जाने ही क्या देखने को मिलेगा। धीरे धीरे हम ऊपर आ गए और हरा रास्ता थोड़ा थोड़ा करके सफ़ेद हो गया और हम आ गए बर्फ़ के राज्य पे। वेलकम टू जुलुक। इतना ज़्यादा बर्फ़ कहाँ मिलेगा आपको। ये मेरा 3rd time है बर्फ़ में और इतना बर्फ़ हमको देखने को मिला तो मेरा दिल ही खुश हो गया। इधर बहुत सारा मस्ती वगैरह किए और बहुत सारा टाइम इधर बिता लिया। और ड्राइवर हमको इन्फॉर्म किया कि इधर पूरा रास्ता बर्फ़ से घिरा हुआ है, इसलिए ऊपर जाने का परमिशन अभी तो फ़िलहाल नहीं मिलेगा। और हमको जाना था सिल्क रूट। दोस्तों अभी हम लोग हैं जुलुक में। अरे भाई जुलुक में कहीं पे भी नहीं है, रास्ते पे खड़े हैं। रास्ते पे खड़े हैं, आप देख सकते हैं चारों ओर सफ़ेदी सफ़ेद है, मतलब चारों ओर बर्फ ही बर्फ है। स्नो पूरा एरिया कवर कर चुका है और जस्ट एकदम माइंड ब्लोइंग लग रहा है। एंजॉय करेंगे, फ़ोटो वगैरह लेंगे। आप इंस्टाग्राम में फॉलो कीजिए फ़ोटो के लिए। और इधर आप बर्फ़ देखिए, ये देखिए टोटली इधर जो आप थोड़ा सा देखिए, ये देखिए नज़ारा बर्फ़ का। ऐसा नज़ारा मैंने जो शिमला मनाली गया था तब भी नहीं देखा था, 2016 में गया था। एक्चुअली घूमने का जो हमारा पैशन है तो बचपन से है, हम लोग घूमते हैं। जब छोटा था मम्मी पापा के साथ जाता था, तो पापा के बिजनेस टूर होते थे तो उसमें जाता था। और बड़ा होके तो मैं खुद ही ब्लॉगर बन गया और मैं घूम रहा हूँ, आपको भी घुमा रहा हूँ, वर्चुअल टूर दे रहा हूँ। आप मेरे वीडियो देख के टूर बना सकते हैं, मतलब सिर्फ वर्चुअल टूर ही नहीं, आप इधर आ भी सकते हैं। तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, क्योंकि ऐसा नज़ारा मैं ही आपको दिखा सकता हूँ। दूसरा बहुत सारा नज़ारा भी मैं आपको दिखाऊंगा, आप जस्ट इन्जॉय कीजिए, ठीक है। चलिए देखते रहिए। ड्राइवर बोल रहा था कि इधर रुकना भी बहुत ही ख़तरनाक हो सकता है, क्योंकि बहुत दिन तक इधर आप स्टक होके रह सकते हैं अगर बर्फ़बारी ज़्यादा हुआ तो। हम बोले कि हमको इधर रुकना है क्योंकि इस जगह को छोड़ के जाने का कोई भी मतलब नहीं है। तो हम डिसाइड किए जुलुक में हमको रुकना है और हम आज रुक गए जुलुक पे। और अभी तो फिलहाल बारिश भी नहीं हो रहा है और स्नोफॉल भी नहीं हो रहा है, तो रुकने का मतलब बनता है। तो हम इधर से धीरे धीरे हमारे होम स्टे की ओर चल पड़े। दोस्तों ऊपर से नीचे आ रहे हैं और रास्ता क्या है, अरे रास्ता क्या है भाई, ये तो पूरा गजब का रास्ता है। ये देखो ये है स्टेयर्स, सीढ़िया है, लेकिन सीढ़िया के ऊपर सीढ़ी के ऊपर जो बर्फ़ जमा हुआ है, इधर कोई साफ नहीं करता, साफ होगा भी नहीं। लेकिन उधर से एडवेंचर करते करते हम लोग उतर रहे हैं, स्विट्ज़रलैंड है भाई, पूरा स्विट्ज़रलैंड आपको लगेगा एकदम। ये गांव है या स्वर्ग है या हेवन है आप बता नहीं सकते, मतलब क्या फीलिंग्स है भाई। हमारा ड्राइवर तो आएगा ही नहीं, बोल रहा है कि ऊपर हम गाड़ी कैसे निकालेंगे, लेकिन उनको कन्विंस किया हमने जो कल गाड़ी हम लोग देख लेंगे, निकाल लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। आज इधर ही रुकेंगे होम स्टे में, जुलुक में। हमारा होम स्टे नीचे है, वो उधर दिख रहा है, वो हमारा होम स्टे, उसमें जाएंगे। लेकिन हम लोग गलत रास्ता पकड़ लिए, ठीक है। गलत रास्ता पकड़ने से थोड़ा सा दिक्कत, गिर गया था, थोड़ा सा दिक्कत हो रहा है, गिर रहा था अभी, ठीक है। तो देखते रहिए और एंजॉय करते रहिए। चलिए दिखाते हैं इधर का रास्ता, एकदम गजब का रास्ता है। तो चलो चलो यार, पैर फिसल रहा है। इधर वो जो बड़ा सा बूट होता है ना, वो लेके आना पड़ेगा। उधर ऊपर दे रहा था 100 rupees चार्जेस है भाड़ा एक दिन का, तो आप लेंगे। मेरा पैर देखिए, पूरा बर्फ है, नीचे से जाना होगा। तो देखिए
और ट्रिप को एंजॉय कीजिए। अरे क्या मस्त जगह है भाई, क्या मस्त जगह है। कल जहाँ पे था उधर तो बर्फ नहीं था, लेकिन इधर एकदम पूरा गजब है भाई। तो देखते रहिए और एंजॉय करते रहिए। तो हम धीरे धीरे ऊपर से नीचे उतरे और होम स्टे में आ गए। हमारा रूम जो दिया है वो है ट्रिपल बेड रूम, एक में दो आदमी, एक में एक आदमी रह सकता है। होम स्टे में गीजर नहीं है, लेकिन गर्म पानी हमेशा ही आपको मिल जाएगा। करीब 2 बजे तक हम होम स्टे में आ गए और लग गया हमारा आज का लंच। बहुत सारे ऑब्स्टेकल्स को ओवरकम करने के बाद हम लोग पहुंच गए, लेकिन वो थोड़ा सा हमारा चाय आ रहा है। हाँ दीजिए, थैंक यू। ये हमारा तीनों का चाय है, एक हमारा आदमी वो चाय नहीं पीता, तो हम हमारा व्यक्ति ले लेंगे। व्यक्ति लेके थोड़ा सा रेस्ट लेंगे और उसके बाद लंच करके और थोड़ा सा रेस्ट लेके ऊपर सिल्क रूट देखने को जाएंगे, ठीक है। तो देखते रहिए और एंजॉय करते रहिए। मैं चाय थोड़ा सा पीता हूँ। ये गरम चाय भी ठंडा लग रहा है, इतना ठंडा है यार। तो एंजॉय करते हैं दोस्तों। अभी हम लोग लंच करने आ गए हैं, 1:30 बजे के करीब आपको लंच मिलेगा। तो लंच में थोड़ा पास आएंगे तो दिखाएंगे। लंच में पहले तो इसमें चावल है, हम लोग बंगाली लोग है, चावल खाते हैं। और इधर है दाल है, और इधर अंडा करी है, और इधर वो फूल गोभी का सब्जी है आलू के साथ, गोभी का सब्जी है। और ये है पापड़, एकदम गरम गरम पापड़। प्याज है, नींबू है और चिली है। हमको सर्व करना होगा, हम पहले तो मेरे लिए सर्व कर लेते हैं, ठीक है। दिखाएंगे खाना, ओ तो सब लोग खाएगा, तो दिखाना नहीं है। अभी थोड़ा बंद कर देते हैं, उसके बाद नेक्स्ट आपको दिखाएंगे। लंच करके हम थोड़ा सा बाहर निकले और सोचे कि अपने बाज को थोड़ा सा घुमा लेते हैं इधर। उसके बाद हम सोचे कि इधर तो अभी बर्फबारी नहीं हो रहा है, इसलिए ड्राइवर को बोल के जाएंगे ऊपर, क्योंकि इधर से 4-5 किलोमीटर ऊपर ही है ओल्ड सिल्क रूट। तो हम लोग डिसाइड किए और इधर से चल पड़े ओल्ड सिल्क रूट की तरफ। ऊपर आके जो देखा वो तो देखने में हमारा सिर ही चकरा गया। इतना प्यारा नज़ारा आपको कहाँ देखने को मिलेगा। एक चीज़ हमारा हो गया कि हमारा कैमरा का बैटरी डाउन हो गया, तो हम ज़्यादा वीडियो तो नहीं कर पाए, लेकिन फ़ोटो वगैरह ले लिया मोबाइल पे, तो वही आपको दिखा रहे हैं। इधर का नज़ारा एकदम अलग ही था, क्योंकि पहले तो गाड़ी ऊपर जा नहीं पा रहा था, लेकिन आर्मी के जो ट्रक वगैरह जा रहे थे उनके टायर पे चेन लगा हुआ था, तो रास्ते का जो बर्फ था वो पूरा पिघल गया और हम धीरे धीरे ऊपर सिल्क रूट में आ गए। इधर 1-2 घंटा टाइम हम बिताए और इधर से आ गए हमारे होम स्टे में। शाम को आ गया पकौड़ा और टी, जो हम मस्ती से पूरा खा लिए और चाय पी लिए। रात को फिर से बुलावा आया खाने का, जाके एकदम मस्त खाना वाना कर लिए। खाना खा के हम सो गए, क्योंकि कल सुबह को इधर से निकलना है और अगर बर्फबारी नहीं होता है तो जाना है नाथंग वैली की ओर। नाथंग वैली में हमको देखने को मिलेगा ओल्ड बाबा मंदिर, एलिफेंट लेक, कुपुप विलेज, थम्बी व्यू पॉइंट, टाइटैनिक पॉइंट, लुंगथुंग, लक्ष्मण चौक एट्सेट्रा। तो हम ये देख के निकल जाएंगे एकदम NGP की ओर। डे फोर में सुबह को हम एकदम रेडी हो गए और ब्रेकफास्ट करने नीचे चले आए। ब्रेकफास्ट करके हम इधर से निकलने ही वाले थे कि मौसम थोड़ा बिगड़ गया, थोड़ा बारिश वगैरह हो रहा है और थोड़ा थोड़ा स्नोफॉल भी हो रहा है। स्नोफॉल हो रहा है ये देख के मेरा तो एकदम दिल ही खुश हो गया, लेकिन इधर हमारा ड्राइवर मुंह फुला के बैठा था, क्योंकि इधर से अगर स्नोफॉल होता है ज़्यादा तो ऊपर नाथंग वैली तक वो पहुँच नहीं पाएगा, तो हमको इधर से आज लौटना भी पड़ सकता है। हम थोड़ा सा वेट किए कि स्नोफॉल थोड़ा सा कम हो जाए। 7 से 8 हो गया और 8:30 भी हो गया, लेकिन स्नोफॉल एकदम रुकने का नाम ही नहीं ले रहा था। तो हम डिसाइड किए कि आज इस बार नाथंग वैली को बाय बाय करते हैं। नाथंग वैली में नेक्स्ट टाइम कभी आएंगे,
लेकिन आज इधर से हमको निकलना पड़ेगा, नहीं तो आज इधर हम अटक जाएंगे और हमारा ट्रेन छूट जाएगा। तो हम इधर से निकल पड़े हमारे कार की ओर। रास्ते में गजबी एक्सपीरियंस हुआ, एकदम स्नोफॉल। ये मेरे जीवन का सेकेंड स्नोफॉल है। पहला स्नोफॉल 2016 में देखा था जब हम रोहतांग पास गए थे मनाली में, और अभी जुलुक में हमको स्नोफॉल देखने को मिल रहा है। एकदम अलग ही मज़ा है, मतलब इतना अच्छा लग रहा है और ये स्नो मेरे आँख पे आँख गिर रहा है। मतलब मान लो ऐसा लग रहा है कि बारिश का बूंद मेरे आँख में आ रहा है, इतना अच्छा लगा हमको इधर। और इधर से हम जल्दी ही निकल पड़े हमारे कार की ओर। हाँ मौसम खराब हो गया। हाँ हाँ पूरा खराब हो गया, थोड़ी देर पहले निकलना चाहिए था। कार में नहीं जाएंगे तो हम पूरा भीग जाएंगे और स्नो में पूरा रास्ता एकदम भर जाएगा और हम इधर से निकल नहीं पाएंगे। तो इस टाइम हमारा नाथंग वैली छूट गया, लेकिन हमको जो मिला वो एकदम प्राइसलेस था। इतना अच्छा स्नोफॉल हमको मिल जाएगा हमको मालूम ही नहीं था। और हम इधर से एकदम मन खुश करके निकल गए NGP की ओर। कितना खर्च होता है जुलुक सिल्क रूट टूर करने में? खर्च के बारे में बताएं तो इसका अंदाज़ा अपने अपने हिसाब से होता है। कोई लग्जरी होटल में रुकना चाहते हैं तो उनके लिए खर्च थोड़ा सा ज़्यादा होगा, कोई बजट होटल में रुकना चाहते हैं तो उनके लिए खर्च थोड़ा सा कम होगा। तो हम लोग रुके थे पूरा सब होमस्टे में ही। तो हम चार आदमी थे और हमारा खर्च पर हेड गया था 8,000 करके। तो आप एवरेज बजट 8,000 से 10,000 पकड़ के चलेंगे तो पूरा ईस्ट सिक्किम आपका घूमना हो जाएगा। तो आप बहुत ही अच्छी तरीके से ईस्ट सिक्किम जुलुक सिल्क रूट पूरा घूम के आ सकते हैं। हमारा तो दुर्भाग्य था कि हम नाथंग वैली जा नहीं पाए, लेकिन आप अगर अच्छे टाइम पे बुकिंग करके जाएंगे तो आप नाथंग वैली, एलिफेंट लेक, बाबा मंदिर पूरा सब कुछ देख के आ पाएंगे। तो वीडियो कैसा लगा ज़रूर से बताइएगा कॉमेंट में। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। मुझे इंस्टाग्राम में फॉलो करके रखिए और इस चैनल में नए हैं तो चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कर लीजिए। हमें फेसबुक में भी आप फॉलो कर सकते हैं। चलिए आज के लिए इतना ही, थैंक यू फॉर वॉचिंग। फिर आएंगे नेक्स्ट कोई इंटरेस्टिंग वीडियो लेके, तब तक के लिए हमारे दूसरे वीडियो को देखते रहिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड बाय।